हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कृष्णकांत राठौर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमने अभी तक पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री के और आज पार्ट 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने स्टार्ट करना चाहूँगा आज लिथिक पीरियड या लिथिक एज। लिथिक का तात्पर्य होता है स्टोन और एज का तात्पर्य होता है काल। स्टोन एज, स्टोन का तात्पर्य हम लगा सकते हैं पाषाण काल से। तो आज हम पार्ट 4 के अंतर्गत पाषाण काल को कवर करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि मैंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। हिस्ट्री को पहला पार्ट जो आपका था वह था प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड जो आपका पार्ट था उसको बोला जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा जो आपका टाइम है उसको आप बोलोगे हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का तात्पर्य होता है प्रागैतिहासिक, पीरियड का आश है काल, इसका तात्पर्य होता है आप ऐतिहासिक काल, और स्टोरी का तात्पर्य होता है ऐतिहासिक काल से। मैंने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक काल किसे कहते हैं जिसमें कोई भी लिपि का वर्णन नहीं है, मतलब लेखन से परिचित नहीं है। सभ्यता का वह काल या इतिहास का वह काल जिसमें मानव को लिपि का कोई ज्ञान नहीं था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और इसमें जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है स्रोतों के आधार पर, और स्रोतों के आधार पर भी इनको 3 भागों में मैंने आपको बताए थे कि अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इसमें आप बात करोगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर जो कुछ भी आता है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। जैसे कि बात की जाए पाषाण काल की, पाषाण काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें जो भी स्रोत मिले हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के हिसाब से मिले हुए हैं। पाषाण काल में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक उस काल को कहते हैं जिसमें मानव लिपि से परिचित था लेकिन उसको पढ़ नहीं सका। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसमें आपके दोनों सोर्सेस मिलते हैं। पहला आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत, क्या बोलोगे आप इसको, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा इसमें एक और जुड़ जाता है जिसका नाम है लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस। इन दोनों के आधार पर जो भी कुछ सभ्यता या संस्कृति का पता चलता है उसे आद्यतासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन आपको याद रखना है इसमें लिपि से तो परिचित थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, और इसके अलावा मैं बात करूं एक सोर्सेस और जुड़ जाता है फॉरेन सोर्सेस या डिस्क्रिप्शन। इसके आधार पर जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाषाण काल को प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि पूरा की पूरा अध्ययन हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर किया है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसके बारे में जानकारी देते हैं, केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों को मिला दिया जाए तो यह आद्यतासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं, और यदि तात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत तीनों को मिला दिया जाए, इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा पाषाण काल के बारे में कि पाषाण काल में
क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम पाषाण काल के लिए। मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब यदि बात की जाए लिथिक पीरियड के बारे में, तो इसका नाम लिथिक पड़ा क्यों? इसका नाम लिथिक इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर इसका अध्ययन करना चाहा, तो सबसे पहले या सबसे अधिक मात्रा में जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं वो पत्थर के प्राप्त हुए हैं, और पत्थर के औजार प्राप्त होने के कारण इसका नाम पाषाण पड़ा। और पाषाण है और इंग्लिश में लिथिक बोला जाता है, लिथिक एज, स्टोन एज बोल सकते हो आप। लिथिक का आश्रय होता है स्टोन यानी पत्थर, और इसको बोलते हैं पाषाण काल, क्योंकि इस सभ्यता में या इस खोज में जितने भी हमें औजार प्राप्त हुए हैं वो पत्थर के प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस संस्कृति का नाम, इसका नाम पाषाण काल रख दिया। इस समय का नाम हमने पाषाण काल रख दिया। यदि मानव ने तांबे का प्रयोग किया, मान लीजिए किसी धातु का, तो उसने रख दिया ताम्र पाषाण काल। मान लीजिए लोहे का प्रयोग कर दिया, तो उसने बोल दिया लोहयुगीन सभ्यता। तो इस प्रकार के आधार पर हमने इनका अध्ययन किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले 1863, इस डेट को याद रखेंगे आप, 1863, 1863 जहां पर हमारी 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुकी थी, इसके बाद के समय है 1863 में एक भारतीय प्रातात्विक सर्वेक्षण विभाग के व्यक्ति थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पर्सन थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। नाम याद रखना है, क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पल्लभरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, नामक स्थान पर सबसे पहले प्रापाषाण काल के औजारों की खोज की। इसलिए आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय या भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। पल्लवरम तमिलनाडु में पड़ता है। और एक दो फैक्ट और है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। और आज पुरातात्विक विभाग को जिस विभाग में रखा गया है वह है संस्कृति मंत्रालय। यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। और यदि बात की जाए भारत में सबसे पुराने पाषाणकालीन उपकरण, बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोरीवली महाराष्ट्र से। आप इसका याद, इसको याद रखोगे। यदि तीसरी बात की जाए तो मैं अब आपको यहां से बताता हूं कि पाषाण काल को लिथिक एज, क्या बोलोगे आप? लिथिक एज। पाषाण काल को अध्ययन के लिए तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपका पहला है पेलियो लिथिक एज, दूसरा है आपका मीसो लिथिक एज, और तीसरा है आपका नियो लिथिक एज। इसका तात्पर्य होता है प्रापाषाण काल, इसका तात्पर्य होता है मध्य पाषाण काल, और आपका तीसरा बचा नियोलिथिक एज, इसका तात्पर्य होता है नवपाषाण काल। इन तीनों कालों के बारे में हमने अध्ययन किया। अगर बात की जाए प्रापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया, और तीन भागों में आपको याद रखना है कि उच्च निम्न प्रापाषाण काल, निम्न प्रापाषाण काल, सेकंड है आपका मध्य पुरा पाषाण काल, और थर्ड है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। यदि आपने यहां पर देखा
कि हमने इसको तीन भागों में बांटा। यदि इनके टाइम की बात की जाए तो इसका समय 25 लाख या 30 लाख भी मिलता है किसी किसी बुक में, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। थ्री में आपको बता देता हूँ, 25 लाख BC से 10,000 BC तक के समय को पेलियोलिथिक एज पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 10,000 BC से 4,000 BC तक के समय को मेसोलिथिक एज मानते हैं और 4,000 BC से 1,000 BC तक के टाइम को कहीं कहीं 500 भी मिलता है या 1,000 ही मान के चले आप, और यहाँ पर 7,000 BC भी देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों को क्लियर कर दूंगा। तो इसका एक टाइम माना जाता है। अब इन तीनों टाइम में आपसे कोई ने पूछ लिया कि पाषाण काल का ऐसा कौन सा काल है जो सबसे बड़ा है। आप देखोगे 25 लाख BC से 10,000 BC यही सबसे बड़ा है, कौन सा? पुरापाषाण काल। अब यदि बात करें आगे बढ़े तो इसके पुरापाषाण काल के जो जाति थी या सभ्यता थी, या हम बोल सकते हैं कि जाति का नाम था निग्रेटो, और निग्रेटो प्रजाति के लोग इसमें पाए जाते थे। और इसके तीन चरण में आपको बता चुका हूं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब प्रत्येक काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, पहला हम टॉपिक उठा लेते हैं पुरापाषाण काल, और इनमें तीन तीन चार चार फैक्ट है, उन सबको आपको याद करना है। पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता है कि इस समय जो आदि मानव था, आदि मानव ही था हमारे यहाँ शुरुआत में, ठीक है, तो आदि मानव शिकार पर डिपेंड करता था, उसको आखे टक का तात्पर्य होता है शिकारी, उसको शिकारी कहा जाता था, और वह खाद्य संग्रह भी करता था। लेकिन उसको ना तो इस समय एग्रीकल्चर कृषि का ज्ञान था, क्रॉप कल्टीवेशन का बिल्कुल काम नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि कैसे करें, और इसके बाद उसको एनिमल हजबेंड्री पशुपालन का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो आप याद रखें पुरापाषाण काल में व्यक्ति की प्रमुख विशेषता यह है आदि मानव की कि वह आखे टक शिकारी था और खाद्य संग्रह करता था, खाने के लिए इकट्ठा करता था, कहीं किसी जगह जाता वहां पर खाने को इकट्ठा करता और उसको खत्म करने के बाद दोबारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। यदि अपन बात की जाए कि दूसरे टॉपिक की, पुरापाषाण काल में आके टक शिकारी के बाद अब आपका है औजार, कि औजार कैसे बने होते थे इस सभ्यता में, पुरापाषाण काल में, इस समय में, इस काल में जो पत्थर बने होते थे वो क्वार्ट्जाइट के बने होते थे, स्फटिक के बने होते थे। और क्वार्ट्जाइट क्या होता है? पत्थर का प्रकार होता है क्वार्ट्जाइट। पत्थर के यह औजार बने हुए थे, और सल्क के भी बोल सकते हो आप, ब्लेड भी बोल सकते हो, ब्लेड को फलक बोला जाता है, ये सब पत्थर के प्रकार हैं। तो औजार पत्थर के ही बना हुए थे क्योंकि मानव उस समय लोहे से तो परिचित था ही नहीं, तो लोहे के तो बना ही नहीं सकता। तो ध्यान रखें पुरापाषाण काल के औजार क्वार्ट्जाइट के बने होते थे, सल्क के बने होते थे, ब्लेड के बने होते थे, और पत्थर के भी कई प्रकार होते हैं कि कोई सा पत्थर ऊपर से नुकीला होता है, ऐसे उसका शेप होता है, इस प्रकार के पत्थर किसी किसी स्थान पर मिले हुए हैं। तो एक जगह संस्कृति का मैं आपको नाम बताता हूं, चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति में इसमें क्या है, पत्थर के आकार बताए गए हैं कि चापर में कैसा आकार, चॉपिंग में कैसा आकार, तो उसको नाम दे दिया चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति। और यह संस्कृति सोहन नदी जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है वहां पर मिली हुई है, वहां पर ये मिले हुए हैं, इसलिए पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करें हैंड एक्स उपकरण, हैंड एक्स उपकरण ये भी हाथों से बनाए हुए पत्थर के उपकरण होते हैं, यह हमें मद्रास से मिले हुए हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि मद्रास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं, महत्वपूर्ण स्थल क्या है,
प्रापाषाण काल के मैंने आपको नाम बता दिए, क्या सुमन संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं? ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, कौन सी संस्कृति सुगंध संस्कृति और दूसरी कौन सी हैंडेक्स संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए प्रापाषाण काल में, तो एक आपने नाम सुना होगा अतिरम्पक्कम, यह तमिलनाडु में पड़ता है, नाम से क्लियर हो रहा है अतिरम्पक्कम ऐसा ही इलाका है वहां पर, तमिलनाडु में ऐसे ही क्षेत्र होते हैं, ऐसे ही नाम होते हैं, अतिरम्पक्कम तमिलनाडु। और हथनोरा यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ता है, और यहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। पहले मानव को अंतिम संस्कार कैसे करते हैं ऐसा ज्ञान नहीं था, मृत्यु होने पर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, और जो भी जानवर होते थे उसको खा जाते थे, मतलब दफनाया नहीं जाता था, न जलाया जाता था, उस समय ज्ञान ही नहीं था व्यक्ति को। ये तो बात की धीरे 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 जब उसको पता चला तो उसने ऐसा काम प्रारंभ किया। तो आपको ध्यान रखना खोपड़ी मिली है केवल, तो खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से, पूरा शरीर नहीं मिला मानव शरीर, खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हथनोरा में, होशंगाबाद एमपी से, अतिरम्पक्कम तमिलनाडु से। आपने नाम सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और यहाँ से तीनों युग की, चाहे आप प्रापाषाण ले आप मध्यपाषाण या नवपाषाण, चित्रकारी दिखाई देती है तीनों समय की, तीनों काल की, तो ध्यान रखना है। और एक स्थान और याद रखना है मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर यूपी से तीनों काल के औजार मिले हैं, मिर्जापुर यूपी तीनों काल के औजार, तीनों काल के औजार, इन तीनों कालों के जो तीन काल है देवाले देवाले और एवाले, तीनों काल के औजार इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने दूसरा बताया आपको हथनोरा, हथनोरा कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद, नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदा घाटी के पास का इलाका, क्लियर, हथनोरा होशंगाबाद हो गया आपका, और अतिरम्पक्कम तमिलनाडु, अतिरम्पक्कम तमिलनाडु, यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए, जहाँ पर इसमें जो खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं वो महिला की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तीसरी बात मैंने आपको मिर्जापुर बता दिया, और भीमबेटका की गुफाएं, ये क्वेश्चन बन लाइनर फैक्ट में ऐसे किया जाता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और यहाँ पर चित्रकारी दिखाई है, गुफाओं में चित्रकारी है जो कि तीनों युग की बताई गई है। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, निम्न प्रापाषाण के बारे में पूरा हो गया। एक बार और बता देता हूँ, जो इस काल के व्यक्ति थे, इस समय के व्यक्ति थे, वो आर्किटेक्ट शिकार पर निर्भर करते थे, उनको शिकारी खा गया है, खाद्य संग्रह वह करते थे, उनको किसी प्रकार का कृषि का ज्ञान नहीं था और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इसके बाद इसमें उनने जो औजार का प्रयोग किया वो क्वार्टजाइट के बने होते थे, क्लियर, और क्वार्टजाइट बड़े बड़े पत्थरों के समूह को कहते हैं, उनके बने होते थे, ये आपको याद रखना है, क्वार्टजाइट बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे। महत्वपूर्ण स्थलों मैंने आपको तीन स्थलों के बारे में चर्चा कर दी है। अब यदि बात करें हम अगला लेते हैं मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मीसो, मीसो का मतलब होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मिडिल स्टोन, मध्य पाषाण काल। और इसका जो टाइम है मैंने आपको बता दिया 10,000 बीसी से 4,000 बीसी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आर्किटेक्ट शिकारी तो अभी भी इस काल में ही है, खाद्य संग्राहक भी मैंने आपको बता दिया वो इसकी भी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर मानव को, हाँ एक बात और ध्यान रखना आप, यहाँ पर आग, मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो आग का प्रयोग नहीं जानता था कि आग का प्रयोग कैसे करें, आग का आविष्कार भी कहाँ पर हुआ था, प्रापाषाण काल में, इस बात का ध्यान रखें। अब आगे बात करें, पशुपालन की शुरुआत कर दी थी उसने, मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन, पशुपालन को क्या बोलते हैं, एनिमल, क्लियर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री उसकी शुरुआत कर दी थी, और प्रथम मानव के द्वारा बनाया गया पालतू पशु आपको पता है कुत्ता प्रथम पालतू पशु था। औजार की बात की जाए तो यहां पर जो औजार मिले हैं वह मिले हैं माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, और लिथ का मतलब होता है पत्थर, तो सूक्ष्म पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों के औजार इसमें मिले हुए हैं। जहां पर क्वार्टजाइट बड़े बड़े आकार के पत्थर थे, यहाँ पर छोटे आकार के पत्थर मिले हुए हैं इस काल में। और महत्वपूर्ण स्थलों में बात की जाए तो आपने एक स्थान का नाम सुना होगा चौपानी मांडो, क्या आपने नाम सुना है, यस या नो,
चौपानी मांडो। मैं आपको बता देता हूँ, एक स्थान है चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो ये कहाँ पर पड़ता है कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, यूपी में। और चौपानी मांडो से पोट्री मृदभांड, क्या बोलोगे, मृदभांड के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हुए हैं। राजस्थान में एक जगह है बागौर, बागौर राजस्थान। और दूसरी बात करें, एक पड़ता है आदमगढ़ यूपी, आदमगढ़ यूपी, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ यूपी में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मानव को पशुपालन का ज्ञान हो गया था, और आदमगढ़ यूपी और बागौर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। एक स्थान और पड़ता है इलाहाबाद यूपी में, वहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हुए हैं यूपी में, इलाहाबाद यूपी में सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हुए हैं। उसका नाम है लेखड़िया या लेखड़िया बोल दिया जाता है, और आग की खोज उन्होंने कर दी थी। तीसरी यदि अपन बात करें नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल के बारे में यदि बात की जाए, नवपाषाण काल, नियो, नियो का मतलब आप यहाँ से न्यू से लगा सकते हो, लिथिक का मतलब आप स्टोन से लगा सकते हो। नवपाषाण काल किसको बोलते हैं, नियोलिथिक एज को बोलते हैं। टाइम लिखा हुआ है, कुछ विकास जल्दी हो गया किसी जगह कम हुआ, इसलिए संक्रमण काल भी बोल दिया जाता है इन दोनों के बीच का, तो आपको इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए आप। इनकी विशेषताओं बात करें कि यहाँ पर कृषि प्रारंभ हो चुकी थी, कृषि का ज्ञान हो चुका था, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, और वहाँ से कृषि के प्रमाण भी मिले हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन स्थायी शुरुआत किसमें हुई, नवपाषाण काल में ही हुई, और मनुष्य में निवास की प्रवृत्ति पाई जाने लगी, स्थायी निवास वो करने लगा। आगे बात करें औजार, औजार किसके बने होते थे, स्लेट के, औजार स्लेट के बने होते थे। इसमें औजार क्वार्टजाइट के, इसमें जो औजार थे वो माइक्रोलिथ के, और यहाँ पर स्लेट के बने होते थे, सब पत्थर के प्रकार में है। स्थल की बात करें कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, एक बुर्जुहोम जो कश्मीर में पड़ता है, बुर्जुहोम कश्मीर, बुर्जुहोम कश्मीर से गर्तवास, गर्त यानी होता है गड्ढा, और वास यानी होता है निवास करना। बुर्जुहोम कश्मीर में व्यक्ति गड्ढे खोदकर उनमें निवास करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, उसके अंदर घर बना लेते छोटे छोटे, तो उसमें निवास करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। और बुर्जुहोम कश्मीर से ही कब्र में मालिक की सात कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण मिला है, तो इससे पता चलता है कि मानव का कुत्ते के साथ कितना लगाव था। एक आपने नाम सुना होगा गुप्प कराल, जो कि कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से भी हमें नवपाषाणकालीन औजार मिले हुए हैं। चिरांद, चिरांद, चिरांद आपका जो पड़ता है बिहार में, चिरांद का पड़ता है आपका बिहार में, यहाँ से हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं, यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले हैं। और कोल्डी हवा जो कि यूपी में पड़ता है, कोल्डी हवा यूपी में, यहाँ से आपने चावल के प्राचीन दम साक्ष्य मिले हुए हैं, कहाँ, कोल्डी हवा यूपी से। और एक और लास्ट बचा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसमें यदि बात की जाए, आग का आविष्कार इसमें कर दिया था, मध्य पाषाण काल में वो आग का प्रयोग करना सीख गया था, और यहाँ पर उसने पहिए की खोज कर दी थी, चारों लगाकर चाक माक का प्रयोग करके पहिए की खोज प्रारंभ कर दी थी, और कृषि का वो आविष्कार उसने कर दिया था। वन लाइनर टेक्स्ट है कि आग का आविष्कार पराषाण काल में और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, और वन लाइनर टेक्स्ट के साथ में जैसे मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था, जो कि अथीरम पक्कम तमिलनाडु से मिला है। प्रथम धातु कॉपर, जिसको आप तामा बोलते हो। प्रथम पेट एनिमल, जो पालतू जानवर है वो कुत्ता था। और आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन और, कि भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण भी मिले हुए हैं,
क्लियर, भारत में शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से जीवाश्मों के साक्ष्य मिले हुए हैं या प्रमाण मिले हुए हैं। तो मैंने आज आपको तीनों काल के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे किस युग में क्या है। वीडियो को बार बार पॉज करते हुए देखते रहें, लिखते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप, खुद लिखोगे। और कहते हैं कि जो ज्ञान सेंसेस के आधार पर लिया जाए उसको कभी भूला नहीं जाता। जैसे कि आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा, इन सबसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो मैंने आंख से देख लिया, कान से सुन लिया और दिमाग में अच्छे से बिठा लिया, वो मैं कभी नहीं भूलता। कभी आप बोलते हो कि अपने फ्रेंड से कि मेरे को तेरा नाम याद आ रहा है लेकिन शक्ल याद नहीं आ रही, चेहरा याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। मारियो मोंटेसरी ने भी कहा था इस बारे में। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप चैनल को इंक्रीज करोगे मैं आपको न्यू वीडियो लाता रहूँगा। आगे चल के हम इस चैनल को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपके साथ की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। बस इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाना है।